कम कम कम। हेलो सर, राघव ने सब बता दिया ना? हाँ बता दिया सर। मैंने वो वीडियो देखा जिसमें तुम अपने योनिंग से सबको सुला रहे थे, पर तो मुझे वो आइडिया नहीं आया है। अच्छा हुआ तुम आ गए। चलो, कहाँ है सर वो? ऊपर है, आओ प्लीज। हाँ। तुम योनिंग करते हो तो तुम्हें नींद आनी चाहिए। मुझे कैसे आ सकती है? हाँ आएगी मैडम, आप देखिए। पागल हो गया। ए पुरुषोत्तम, मैं हंस रही हूं ना, तो तू भी हंस, हंस ना। सर, इनको समझाने से कुछ नहीं होगा, इनको तो अस्पताल ही ले जाना होगा। मुझे तो ये एक तरह की बीमारी लगती है सर। सो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, कुछ भी करके इसे सुला दो ना। पर मुझे नहीं आ रही है सर। तुम उसे ऐसे ही देखते रहो, अपने आप आ जाएगी। हाँ। सर, ज्यादा देखने से मुझे उल्टी आ रही है। अब ऐसा मत कहो, प्लीज ट्राई करो, ट्राई ट्राई। तुम ऐसे हंस क्यों रहे हो? पता नहीं, ट्राई कर रहा हूं सर। अरे तुम्हारा मुंह टेढ़ा मेढ़ा क्यों हो रहा है? ये क्या कर दिया? ये कैसे हुआ मैं नहीं जानता सर। भाई मैंने तुम्हें इसे सुलाने को कहा था, गिराने को नहीं। अरे उठाओ मुझे। अरे, मैं जा रहा हूँ सर। अरे कहाँ जा रहे हो, इसे उठाएगा कौन? उठाओ मुझे। उठाओ ना। उठाओ, मैंने कहा। हेलो डॉक्टर। हाँ बोलो। मुझे योनिंग बहुत ज्यादा आ रही है डॉक्टर। क्या कहा, बहुत ज्यादा आ रही है? हाँ डॉक्टर, उस वजह से मोटी आंटी हवा में उछल गई। ठीक है, एक काम करो, जल्दी से मेरे पास आ जाओ। अरे इसकी तो उस दिन वाली फोटो मैगजीन में भी छप गई। हेलो। ए तूने जिसकी पानी में भिगोकर बेइज्जती की थी, जानता है वो कौन है? कौन है वो बताना। कूलिंग ग्लास मुन्ना। हाँ तो उसका क्या? ए कूलिंग ग्लास मतलब कूलिंग ग्लास बेचने वाला नहीं है वो। हाँ। बहुत बड़ा गुंडा है, उसके हाथ आ गया ना तो काट कर रख देगा। मैं ऑलरेडी एक प्रॉब्लम की वजह से अस्पताल जा रहा हूँ, वहाँ जाकर तुझे फोन करता हूँ, समझा? चल मैं बात करता हूँ। एरिया साफ करने के बदले तुमने उसकी जिंदगी साफ कर दी, अब मुंह लटकाने से कुछ नहीं होने वाला। भाई उसका घर हनुमान मंदिर के गली के पीछे, वहां हम 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। रुक 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 रुक, पीछे ले, पीछे पीछे पीछे। अरे छोड़ो। अरे तुम लोग हो कौन? मतलब उस दिन रोड को गंदा तुम? आज तू गया। Get ready, ready, ready to die. I'm already ready, ready, I'm on high. Get ready, ready, ready to die. I'm
मुन्ना को दिखाई नहीं दे रहा है, ये क्या बोल रहा है तू? अच्छा ये बताओ कि आखिर वहाँ हुआ क्या था? भाई उसके पहले कोयता लेकर आए थे हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने डांस किया था। भाई बहुत गुस्से में थे और जैसे ही मारने के लिए हाथ उठाया ना, कोयता एक फुट का था और वो भाई के हाथ में था, उसका सर कट के नीचे गिरना चाहिए था पर गिरा नहीं ना, उल्टे भाई अंधे हो गए। ऐसा क्या? हाँ ए भाई क्या बताओ ना, वहाँ क्या हुआ था? तुम लोग भी तो थे ना वहाँ पर? पता नहीं, कुछ बोल नहीं सकते, आंखें ठीक भी हो सकती हैं और नहीं भी। आप भी क्या कह रहे हैं डॉक्टर? भाई मैं हॉस्पिटल में आ गया हूँ, ऊपर ही आ रहा हूँ, 2 मिनट में पहुँचता हूँ। ए भाई यहाँ परेशान है, तू बाहर मजे ले रहा है? भाई आपसे एक बात कहूँ, आप मारोगे तो नहीं ना? हाँ बोलना। भाई आपकी आंखें जाने की वजह पता क्या है? वो नहीं है। तो कौन है? बल्कि वो है वो। कौन? भाई भाई उस दिन मंदिर में जो भूत बनकर नाच रही थी ना, उसी की आत्मा उसके शरीर में आकर आपको टक्कर देकर चली गई। भाई इधर इधर इधर, पूरा शहर मुझसे डरता है और तू भूत की बात करता है। भाई हे, डॉक्टर ने क्या कहा याद है ना? जल्दी से पट्टी खोलनी है और उसके बाद मारना है उसको, और ये सब मुझे अपनी आंखों से देखना है। अब ये नहीं हो सकता भाई, आपकी आंखों की रोशनी आएगी या नहीं डॉक्टर को इस बात का डाउट है। कंफर्म है भाई, उसने मुंह खोला तो हवा निकली, हवा में भूत था भाई। आपने उसकी आंखें निकालने की बात कही थी, उसने तो आपकी आंखें निकाल दी भाई। क्या हुआ? तुझे एक बात पता है? नहीं। कूलिंग ग्लास मुन्ना इसी हॉस्पिटल में है। हाँ। अरे अरे डर मत, कूल बड़ी, नो प्रॉब्लम, तू लकी है भाई। किसी ने उसे जमकर धोया और उसकी दोनों आंखें फोड़ डाली यार। आंखें? अंधा बनाने वाला मैं ही हूँ। वाह, मतलब इतने दिनों तक मैं समझ ही नहीं पाया कि मैं ब्रूस ली का दोस्त हूँ। आई एम प्राउड ऑफ यू यार। मजाक मत कर, मैं ऑलरेडी बहुत डरा हुआ हूँ। रिपोर्ट जमा कर दिया आपने? मैडम बाद में कर दूंगा। यॉनिंग ली थी, उसका चश्मा टूट गया। ए, ये क्या यार, तू कब से बकवास कर रहा है? तेरी यॉनिंग से ऑफिस वाले सो गए मैं मानता हूँ, पर उससे चश्मा कैसे टूट जाएगा? क्या हुआ भाई, क्या है, गुस्सा आ रहा है क्या? तेरी नाक में मक्खी चली गई क्या? कान क्यों हिल रहा है? आंखें क्यों फड़फड़ा रही है? पेट में गैस बननी शुरू हो गई क्या? क्या हुआ भाई बताना, बताना भाई, तू ऐसा क्यों कर रहा है? अरे तू कोमा में जा रहा है क्या? ए, बोल ना, बोल बोल। हाँ?
नाइस योनि यार, वंस मोर। डॉक्टर आ गए। तुम इतनी गंदी हरकत करोगे इस बात की उम्मीद नहीं थी मुझे। डॉक्टर, तुम्हारी योनिंग में इतनी ताकत होगी मैंने कभी नहीं सोचा था। हाँ डॉक्टर, ऐसे ही हर आधे घंटे में मुझे योनिंग हो रही है। ए, ऑफिस जाने के अलावा मैं हर समय तेरे साथ लुंगी पहनकर घूमता हूँ, ऐसा करने से पहले मुझे बता दिया कर, मैं रिस्क नहीं ले सकता। कुछ नहीं डॉक्टर, हम लोग ब्रॉड माइंडेड है ना, इसीलिए नर्स का वो सीन देखने के बाद भी माइंड नहीं किया, यही बोल रहा था। आई लव यू सिस्टर। गेंडा कहीं का। देखा उसने मुझे क्यों मारा डॉक्टर। घर पे जाके सोचना, अगर तुम्हें हर आधे घंटे में ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो तुम एक काम करो, किसी ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ पे कोई ना हो, रिस्क मत लो प्लीज। डॉक्टर, और कोई रास्ता नहीं है? मैं डॉक्टर महेंद्र से पूछकर बताता हूँ। भाई तो फिर ये कौन है? चिंता मत करो, देखते हैं। डॉक्टर, आगे से नर्सों को पैंट पहनकर आने के लिए कहना पड़ेगा हॉस्पिटल। इधर मुन्ना को देख रहा है ना? कूलिंग ग्लास मुन्ना को तूने सूरदास बना दिया, चुपचाप यहाँ से निकल ले।